नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वर्णगिरी पर्वत की महिमा व पौराणिक मान्यता एवं विशेषताएं ये हैं कि यहां से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा उज्जैन सांदीपनि आश्रम से गुरु माता के आदेश अनुसार लकड़ियां लेने आए थे और इसी पर्वत से लकड़ियां चुनकर मौलियां बनाई थी जो आज नारायण धाम में सजीव विद्यमान है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़ने के कारण ये पर्वत स्वर्ण का हो गया, इसी कारण इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। आज भी ये मान्यता है कि ये पर्वत वर्ष में एक बार कुछ पल के लिए रात्रि में स्वर्ण का हो जाता है। रात यहाँ श्री कृष्ण के चरणों से बह रही गंगा की धारा जो ग्रीष्मकाल अल्पवृष्टि अनावृष्टि के कालखंड में भी निरंतर प्रवाहित रहती है। इस पर्वत में कई पत्थर ऐसे हैं जिन्हें बजाने पर उनमें से मंदिर के घंटे जैसी ध्वनि आती है। इस मंदिर के सम्मुख भगवान शिव और माता पार्वती के दो अलग अलग मंदिर हैं। मान्यता है कि यहाँ पर विवाह की कामना से, संतान प्राप्ति की कामना से या अन्य कोई मनोकामना से शिव मंदिर से शक्ति मंदिर तक जो धागा बांधते हैं उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। पूर्णतया प्राकृतिक छटाओं, पाषाणों, वृक्षों, लताओं से उत्प्रोत देवस्थान होने के कारण यहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ इनके नीतिवान सदाचारी निस्वार्थ भाव से इनकी भक्ति करने वाले इनके परम मित्र सुदामा जी की चरण धूलि भी इस पर्वत में व्याप्त है। इस कारण गोवर्धन गिरिराज पर्वत के समानी इस पर्वत की परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।